भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए। साल 2018 के एक मानहानि मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राहुल को बड़ी राहत दी है और इस राहत के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में उमड़े जन सैलाब से बीजेपी पहले ही परेशान थी। अब कोर्ट के एक फैसले ने बीजेपी की बेचैनी और बढ़ा दी है। मंगलवार को न्याय यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोककर मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए। 2018 में राहुल गांधी की अमित शाह पर एक टिप्पणी को लेकर बीजेपी के एक नेता ने उन पर केस दर्ज कराया था। इस मामले में सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। जमानत के बाद मुस्कुराते हुए बाहर निकले राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए उन्हें हत्यारा कह दिया था। इस पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला और सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था। इसी मामले में आज राहुल गांधी की पेशी थी, जहां उन्हें बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद जब कोर्ट रूम में पहुंचे तो उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने कहा कि उन पर लगे आरोप गलत है। इसके बाद कांग्रेस नेता के वकील ने जज के सामने दलील पेश की, फिर कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए अगली तारीख दे दी। आपको बता दें, कोर्ट में पेशी के लिए राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर अमेठी से कार से सुल्तानपुर पहुंचे थे और राहुल अब कार से ही रायबरेली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां से उन्होंने यूपी में 5वें दिन की न्याय यात्रा शुरू की है। DV Live की रिपोर्ट।